press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार महविश नाज़ को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि अपने विचार रखेंगी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं महविश नाज़ है और आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से नाज़िया इलाही खान ने। आप लोगों को कम्युनिटी पता चली गई होगी देख के, बहुत टाइम से मैं लगाई हुई थी और व्यूअर्स बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे और कह रहे थे कंफर्म कर दिया करें पाकिस्तानी टाइम है इंडियन टाइम है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। मैं तब से कॉमेंट्स देख रही हूँ आप लोगों की। बाकी नाज़िया मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। और माफी चाहूंगी जो लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, पर थोड़ा सा आगे पीछे मुझसे हो जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे डिबेट्स और सारे पॉडकास्ट में कवर अप कर सकूँ, मेरी कोशिश पूरी रहती है, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो कोर्ट होती है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी जिनको भी इंतजार करना पड़ा। नाज़िया मैम, अब सेलिब्रिटी हो गई है ना, बड़ी मुश्किल से टाइम देती हैं आप लोग, ऐसे ही कमेंट्स में बोलते रहते हैं 3 दिनों के बाद आ जाएंगे। टॉपिक पे आने से पहले मैं बता दूं कि मेरा काफी ट्रैवल चल रहा था, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और बहुत सारे मैटर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, तो उसकी वजह से महाराष्ट्र, उसके बाद फिर नागपुर, उसके बाद फिर आसाम, उसके बाद फिर गुजरात, उसके बाद फिर दिल्ली, उसके बाद अब मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, फिर 2 दिन के बाद फिर दिल्ली पहुंच जाऊंगी। तो इतना लंबा चौड़ा मैं ट्रैवल पूरा कम्प्लीट करके आई हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई। क्योंकि होता क्या है ना, जब मैं दिल्ली पहुंचती हूँ तो वहां के जितने भी न्यूज चैनल्स वाले होते हैं मुझे उनको टाइम देना पड़ता है, फिर मैं महाराष्ट्र पहुंचती हूँ तो वहां के जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं मुझे उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो थोड़ा मैं बैलेंस करके चलने की पूरी कोशिश में लगी रहती हूँ कि कोई भी नाराज ना हो मुझसे। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमने तो खुशी से वेट किया है। थैंक यू सो मच, आपने अभी भी इतनी बिजी रूटीन में से टाइम दिया। अच्छा नाज़िया मैम, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्शंस की हेक्टिक रूटीन से आप भी गुजरी हैं, किस तरह सारी चीजें सर पे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन का विजिट किया है गुजरात में और वहां पे अंडर वाटर द्वारका में पूजा की है उन्होंने, और द्वारका वही जगह है जहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था अपना ये सारी जर्नी, स्टार्ट की थी, इतना टाइम वहां पे रूल भी किया, और आज जो वो पावर में ग्लोबल लीडर कंसीडर होते हैं तब भी उन्होंने इस जगह को पीछे नहीं छोड़ा, वहां पे आज भी जाके स्टे किया वहां पे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन हो रही हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, आई गेस दे अराउंड अबाउट 25 प्रोजेक्ट्स। क्या राय रखती है सबके बारे में गुजरात को लेकर? गुजरात जब कोई भी पहुंचता है ना, और स्मार्ट सिटी बन जाने के बाद सबको ऐसा लगता है कि वो भारत में तो है ही नहीं, कोई विदेश कंट्री आ चुका है, ऐसा फील होता है। आप गूगल पे आप स्मार्ट सिटी को देखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद के स्मार्ट सिटी को, आपको फील ही नहीं होगा कि आप भारत में। अभी आप जम्मू एंड कश्मीर चले जाइए, आपको फील ही नहीं होगा कि आप भारत में, आपको लगेगा कि आप स्विट्जरलैंड आए हुए, सिडनी आए हुए। हमें भारत से निकल करके कहीं जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं, हमें सारी चीजें यहीं पर अवेलेबल मिल जाती है। और जो 25 प्रोजेक्ट अभी और आने वाला है, वो प्रोजेक्ट हमारे भारत को इस पूरी दुनिया में सबसे आगे लेकर के चला जाएगा, वो भी मैं सिर्फ गुजरात के 25 प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। और जो बाकी पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लोकसभा इलेक्शन के बाद अनाउंस्ड हो रहे हैं, पर भीतर भीतर उनका काम चल रहा है, हम तो आपकी तरह नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी गिरवी रखा हुआ, हम आपकी तरह नहीं है, हम पहले अपने काम को करते हैं और उसके बाद फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, गुजरात वो जगह है जहां से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने। गुजरात की सरजमीन ने बहुत सारे बिजनेसमैन को जन्म दिया है, बहुत रिनाउंड अंबानी जी को ले लीजिए, गुजरात की सरजमीन ने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल को जन्म दिया है, गुजरात की सरजमीन ने ही मेरे भारत के अवतार
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जन्म दिया है और वाकई में कभी भी जमीन छोड़नी नहीं चाहिए, कभी नहीं। घमंड जो इंसान के जिंदगी में आ जाता है ना, वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। मुझे याद है कि मेरी परदादी अम्मी का घर 280 स्क्वायर फीट का था और आज भी वो घर वैसा का वैसा ही है, उनका चौका भी वैसा ही है और आज भी हम सब बकरीद वहीं जाकर के मनाते हैं। आज भी परदादी अम्मी ग्रेटेस्ट ग्रैंड मदर, क्योंकि उनके जज्बात उस 280 स्क्वायर फीट से जुड़े हुए थे और मेरे बाप दादा ने वहां पर खेला है नंगे पैर, तो इसलिए उससे मोहब्बत कभी हटी नहीं सकती है हमारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री से इस पूरी दुनिया के लीडर्स को सीखने की जरूरत है। अब आती है बात कि पंचों के बीच जो गुजरात द्वारका में है, वहां पर भगवान कृष्ण का उन्होंने पूजा किया, मोर के पंख लेकर के गए थे और बहुत खूबसूरत भगवा कपड़ा उन्होंने पहना था और स्कूबा के जरिया उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने वहां पर पूजा आराधना और पूरे लगन के साथ किया है। उस वीडियोस को आप देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे भगवान के सामने जो बैठ करके हाथ पानी के भीतर, ओशियन के भीतर जो बैठा है वो खुद भी एक अवतार है, वो कोई मनुष्य नहीं है। नाजिया जी, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैंने वीडियोस तो देखी हैं कि वो किस गेटअप में थे, लेकिन आई गेस ये बड़ी स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल जगह कंसीडर होती है लॉर्ड कृष्णा की वजह से, राइट? बिल्कुल। और मतलब हम तमाम लोगों का मानना है कि वहां पर लॉर्ड कृष्णा का अंतिम जगह है, तो इसलिए वो हिंदुओं के लिए, हम जैसे सनातनी मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल रखता है वो जगह। अब आती है बात कि भगवान पर्वत पर हो तो भी हम पूजा आराधना के लिए पहुंच जाते हैं, भगवान समुन्द्र के अंदर हो तो भी पूजा आराधना के लिए पहुंच जाते हैं, भगवान आपके तोड़े हुए भगवान की जगह शारदा पीठ वहां पर हो उसको भी हम आसानी से लेने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। प्रभु राम के बेटे कुश का बसाया, लव का बसाया हुआ लाहौर हो उस पर भी भगवा झंडा लहराने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। इतना खूबसूरत मंजर था महवेश, इतना खूबसूरत मंजर था, और मैं तो मतलब उस वक्त संडे के दिन काफी मन की बात और पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह भी काफी थी, लेकिन उस सिनेरियो पे भी मैं जब जब गाड़ी में बैठ रही हूँ तब मैं वो वीडियोस देख रही हूँ, मैंने एटलीस्ट 10,000 बार वो वीडियोस देखे अपने फोन पर, क्योंकि जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो आस्था समुन्द्र के भीतर मोदी जी के ऑरा से, उनके प्रेजेंटेशन से नजर आ रहा था, वो एक अवतार का ऑरा नजर आ रहा था, जो चमक उनके चेहरे पर समुन्द्र के भीतर नजर आ रही थी वो मतलब एक मन मोहने वाली चमक थी, और जिस हिसाब से वो मुस्कुराते हुए चेहरे से वो समुन्द्र से ऊपर आए हैं और उन्होंने वो स्कूबा वाला वो उन्होंने वो उतारा है, चेहरा इतना खिल रहा था, इतनी मुस्कुराहट आ रही थी उनके चेहरे पर, मानो जैसे बरसों की तपस्या और बरसों का जो उनका उनकी सोच थी वो पूरी हो गई है। तो जिस जमीन पर मोदी जी जन्म हुए, जिस जगह से उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर को शुरू किया था, जिस गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे 15 साल तकरीबन और 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, और हमेशा जिस चेयर पर भी बैठे उस चेयर के साथ भरपूर इंसाफ किया, उन्होंने भरपूर इंसाफ किया है, किसी भी चेयर का नाजायज फायदा कभी भी उन्होंने नहीं उठाया। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार, बेबाक और जबरदस्त रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री की भी खूब तारीफ की। जैसे कि हमने देखा मोदी जी ने अंडर वाटर जाके भी पूजा की और जैसे नाजिया खान जी ने कहा
प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लीडरशिप में भारत को दुनिया में सबसे आगे ले जाएंगे, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।